हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हो रहा टाइम 6:15 और मैं पहुंच गया हूं अपने एकेडमी। अभी सब लोग आए नहीं है, बट जो लोग मैं आए हैं उनको मैं दिखाता हूं कि मॉर्निंग की जो क्लासेस होती हैं कैसे होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे एकेडमी में टू साइड ओपन बालकनी है, तो सुबह का जो नज़ारा होता है बालकनी से वो कैसा होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। बहुत ही मस्त होता है नज़ारा, देखने लायक होता है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं चलता हूँ क्लास में और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है। अभी सब लोग आए नहीं स्टूडेंट्स, 3-4 लोग आए हैं। जो लोग आए मैं उनसे मिलवाता हूँ और दिखाता हूँ क्या चल रहा है। तो ये देखिए, ये हमारे कुछ होनहार छात्र लोग हैं, ये आ चुके हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये क्या हो रहा है। दीपक, सबसे पहले मैं आप लोगों को दीपक कलाल जी से मिलवाता हूँ। दीपक कम ऑन, इधर क्या हो रहा है, बोलो बोलो बोलो, कौन सा डांस हो रहा है आज? आज आज कौन सा दिन है? अरे एक मिनट रुको ना, रुको रुको, अरे बंद तो करो, सब आवाज़ नहीं आ रही साहब, बंद करो बंद करो। कौन सा गाना हो रहा है बोलो? आज तुम्हारा इंटरव्यू ही कर देना मैंने, बताओ कौन सा गाना कर रहे हैं? हाँ हाँ, अच्छा आज सैटरडे है तो टेस्ट हो रहा है, सैटरडे को टेस्ट होता है। अभी इसके पहले कौन सा गाना कर रहे थे आप? अच्छा ठीक है, तो मैं देखे दिखाएंगे आप कैसे कर रहे थे करके। अरे बाप, तुम तो ऐसे ही यार, तो इज्जत खराब कर देगा, आता नहीं। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक और मेरी होनहार छात्रा है, देखो भाग रही। प्रीति, प्रीति इधर आओ, अरे इधर आइए, इधर आओ, इधर आओ, तो भाग क्यों रही हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अरे इधर आओ। गजब हाल, ये लोग क्या मतलब टिकटॉक बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए एकदम मेकअप से कब करके तैयार हो जाएगा, जब भी जैसे सर से पूछे। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं अपने बालकनी में क्या दिखता है मॉर्निंग का नज़ारा। ठीक है, एक छोटा सा स्टेडियम है और छोटे से स्टेडियम में जो है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये देखिए एक बार, ये मेरा बालकनी है, बहुत बड़ा है और टू साइड ओपन है। ये पहला साइड है, और थोड़ा सा कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो बेकार की चीज़ें हैं, यूजलेस है, उसको कुछ रखा गया है। और एक छोटा सा ये प्लांट है मेरा, आप इसको भी देखिए कितना सुंदर है, इसको मनी प्लांट कहा जाता है। ये देखिए अभी छोटा है, कुछ दिन पहले ही हमने इसको लगाया था, अभी इसमें ग्रोथ है, धीरे धीरे हो रहा है। ओके, ये देखिए, ये जो मेरे सामने स्टेडियम है इसको हम लोग कहते हैं मिंज स्टेडियम, बिकॉज ये छोटा है तो इसका नाम ही है मिंज स्टेडियम। और आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये किस तरह का व्यू होता है सुबह सुबह। सारे बच्चे, अंकल आंटीज़, जितने भी सीनियर सिटीजन्स भी हैं, सब लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज के लिए। और कुछ लोग जो आपको सामने दौड़ते हुए दिख रहे होंगे ना, ये आर्मी के बच्चे हैं, ये जो आर्मी की तैयारी करते हैं। तो बहुत सारे लोग वैसे भी आते हैं जो आर्मी की प्रिपरेशन के लिए आते हैं, फिजिकल तैयारी के लिए, दौड़ निकालने के लिए। बहुत सारे लोग अपने फिटनेस के लिए आता है जो टहल रहा है, बहुत सारे बच्चे भी हैं जो फिटनेस के लिए आते हैं। और इसमें मैच भी होते रहता है, कभी फुटबॉल का, कभी क्रिकेट का, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, अभी फ़िलहाल हो नहीं रहा है। देखिए हाँ, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये लोग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम है वही है, बट ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना। और ये नीचे में, चूँकि मेरा जो बिल्डिंग है ये 4 फ्लोर का है, तो नीचे में जो है इसके जस्ट रोड है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा रोड। और ये व्यू देखिए आप, और काफ़ी अच्छा मोहल्ला है, काफ़ी घना है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ मोहल्ले को कैसा है। बहुत अच्छा है, काफ़ी घना है, आप देख सकते हैं। मॉर्निंग का टाइम है, अंकल जी बालकनी में खड़ा होकर वो भी नज़ारा देख रहे हैं स्टेडियम का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे साइड बालकनी के और दिखाता हूँ वहाँ क्या है। ये देखिए सीधे जाते जाएंगे, काफ़ी घना मोहल्ला है, और काफ़ी घना मोहल्ला है, बहुत अच्छा व्यू दिखता है हमारी बालकनी से, आपको पूरा शहर दिखेगा यहाँ से। देखिए कितना अच्छा व्यू है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
ये गली आपको हमारे हमारे बिल्डिंग से निकलते हुए ये आपको सीधे मेन रोड में जाके मिल जाता है। ये देखो मेरा बालकनी कितना बड़ा है, मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, देखो बहुत बड़ा है और काफ़ी अच्छा व्यू होता है यहाँ से बालकनी से, लगभग पूरा शहर दिखता है हमारा। छोटा शहर है लेकिन काफ़ी अच्छा है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा मौसम हो रहा है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ यहाँ से, यहाँ से आपको व्यू पूरा दिखेगा। ये पूरा स्टेडियम है और कितना अच्छा नज़ारा है आप सामने से देखिए। सामने में छोटा सा पानी टंकी है और ये मौसम देखिए, देख रहे कितना सुहाना मौसम हो रहा है, कितना मस्त सुबह सुबह के टाइम में इतना अच्छा मौसम हो रहा है। और ये हमारा शहर है जो हमारे बालकनी से पूरा क्लियरली दिखता है, पूरी शहर दिखती है यहाँ से, आपको आधा दिख रहा है। मैं आपको एक बार छत से भी जाके व्यू दिखाऊँगा अगले ब्लॉग में, लेकिन अभी फ़िलहाल आप देखो इतना यहाँ से कितना अच्छा नज़ारा है, मौसम कितना अच्छा हो रहा है वो देखो आप। मॉर्निंग के टाइम में अगर ऐसा मौसम हो जाए वो भी समर में, तो वाह क्या मज़ा आ जाता है। अभी तो भीड़ बहुत कम हो गई है स्टेडियम में, बिकॉज अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 6:30 से भी ज़्यादा हो गया, तो बहुत सारे लोग आके चले गए हैं, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लगभग हमको लगता है 2-3 हज़ार लोग आते हैं मॉर्निंग में सिर्फ एक्सरसाइज करने, अभी काफ़ी भीड़ कम हो गई है। फिर भी कुछ लोग वही लोग बचे हैं जिनके ऑफिस या तो लेट है या फिर उनको नहीं जाना है ऑफिस। एक बार मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, अभी भी बच्चे दौड़ रहे हैं जो आर्मी की ट्रेनिंग के लिए हैं। मौसम कितना अच्छा दिख रहा है, मौसम देखो आप लोग, यहाँ इतना मस्त हवा लग रहा है ना, मैं क्या बोलूँ। तो देखा आप लोगों ने ये मॉर्निंग का जो नज़ारा था कैसा था, इससे मैं आप लोग मेरे साथ बने रहिए ब्लॉग में, इससे दूसरे ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा दूसरे बालकनी का जो व्यू है, छत पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा छत से कैसा दिख रहा है। ओके गाइस अभी मैं चलता हूँ, क्लास को ख़त्म करना है, फिर घर जाना है, फिर नहाना है, पूजा पाठ करना है और फिर से 11-12 बजे के आसपास मुझे फिर से आना है, तो उस समय जो है हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं, तो उसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे वीडियोज बनाते हैं, कैसे मेकअप करते हैं, कहाँ पे बनाते हैं। ओके तो ऐसे ही बने रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए हमारे ब्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिए, फिर से मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, सी यू, जय हिंद।